नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बेसिक सीरीज के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने कम्युनिज्म की बात करी थी, आज आइए बात करते हैं कैपिटलिज्म के बारे में। क्या है एग्जैक्टली कैपिटलिज्म और आज की दुनिया में कितना सक्सेसफुल रहा ये और कितना बड़ा फेलियर रहा, आइए जानते हैं। दोस्तों, कैपिटलिज्म शब्द आता है कैपिटल से और कैपिटल का मतलब है पैसा या किसी भी तरह की वेल्थ। अगर आपके पास कोई घर है, गाड़ी है या जमीन है तो ये सब आपके कैपिटल हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको कम्युनिज्म की बेसिक डेफिनेशन बताई थी कि एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर हर इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा और उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें मिलेंगी। अगर हमें कैपिटलिज्म को भी इसी तरीके से डिफाइन करना है तो एक सिमिलर सी डेफिनेशन बनाई जा सकती है कि कैपिटलिज्म एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर लोग अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे लेकिन उन्हें चीजें मिलेंगी अपने कैपिटल के हिसाब से। जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा कैपिटल होगा उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये डेफिनेशन सुनकर आप मुझसे पूछोगे, भाई ये कैसी सोसाइटी हुई, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा उसे और ज्यादा पैसा मिलेगा। सही सुना आपने दोस्तों, एग्जैक्टली कैसे काम करता है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। बेसिकली कैपिटलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है, जहां पर मींस ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि जमीन, खेत, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, इन्हें ओन किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। कम्युनिज्म में इन्हें ओन किया जाता है जनता के द्वारा, सब लोग ओन करते हैं इन्हें। कम्युनिज्म की तरह ही कैपिटलिज्म भी एक बहुत ही ब्रॉड शब्द है, एक बड़ी आइडियोलॉजी है जिसके अंदर सब सेक्शंस हैं अलग अलग विचारधाराओं के जो एक दूसरे से थोड़ी बहुत अलग है। लेकिन ब्रॉडली अगर हम कैपिटलिज्म को देखें तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हर टाइप के कैपिटलिज्म में देखने को मिलते हैं। पहला है प्राइवेटाइजेशन, दूसरा है सरकार का कम से कम इंटरफेरेंस होना। ज्यादातर कैपिटलिस्ट मानते हैं कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। ये वैसे एक ऐसा डायलॉग है जो हमारी सरकार ने भी अभी हाल ही में इस्तेमाल किया था। तीसरा, फ्री मार्केट और कॉम्पिटिशन। और चौथा एक ऐसी चीज जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में अक्सर देखने को मिलती है, मनी बिगेट्स मनी, पैसे से ही पैसा बनता है। ये क्या है आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले बात करते हैं कैपिटलिज्म की हिस्ट्री के बारे में। कैपिटलिज्म का सबसे पुराना एग्जांपल है फ्यूडलिज्म, जिसे कहा जा सकता है प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। ये 10वीं सदी के अराउंड है, मिडिल एजेस में, जब लैंडलॉर्ड्स होते थे जो जमीन पर कब्जा करके रखते थे। उस जमीन पर काम करने वाले लोग, किसान और मजदूर, जो दिन रात मेहनत करते थे, क्रॉप्स उगाते थे, लेकिन जो भी प्रॉफिट निकलता था उस जमीन से वो सारा लैंडलॉर्ड ले जाता था और बेचारे किसानों को बस इतना पैसा मिल पाता था कि वो अपना गुजारा चला पाए। आप शायद पूछोगे कि कैपिटलिज्म का एग्जांपल कैसे हुआ। ये ऐसे हुआ कि इस जमीन को एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाता है। जमीन का मालिक कौन है? लैंडलॉर्ड, एक प्राइवेट इंडिविजुअल। और ज्यादातर प्रॉफिट इस जमीन से निकलने वाला किसके पास जाता है? लैंडलॉर्ड के पास जाता है। आज के दिन कैपिटलिज्म भी कुछ इसी तरीके से ही काम करता है। आप किसी भी जॉब में काम कर रहे होगे, किसी भी कंपनी में, मान लो आप एप्पल में एक एम्प्लॉय हो, आप दिन भर काम करते हो और उसके बदले आपको एक मंथली सैलरी मिलती है, लेकिन जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसका प्रॉफिट कहां जाता है? आपके पास नहीं जाता, वो प्रॉफिट जाता है कंपनी के मालिक के पास। हालांकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आज के दिन आपको वर्कर राइट्स मिलते हैं, एक मिनिमम वेज दी जाती है और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और वैसे इस एप्पल कंपनी का मालिक कौन हुआ? वो इंसान जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं इस कंपनी के। इनफैक्ट आज के दिन आप भी इस कंपनी के मालिक बन सकते हैं शेयर मार्केट में जाकर, अगर आप एप्पल के कुछ शेयर्स खरीद लें तो जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा, क्योंकि कुछ हिस्सेदार इसके आप भी हैं, कुछ पोर्शन ओनर आप भी हैं। तो इस तरह की कैपिटलिस्ट दुनिया में आज के दिन हम रहते हैं दोस्तों, समझ रहे हो? एक एम्प्लॉय यहां पर किसी कंपनी के लिए काम करेगा, उसे अपनी मंथली तनख्वाह मिलेगी, लेकिन कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी वो प्रॉफिट अब ऐसे लोगों को मिलेगा जो उस कंपनी का इंटरनल डे टू डे वर्किंग जानते तक नहीं होंगे। आप घर बैठे बैठे उस कंपनी से निकलने वाला प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर ले तो। और इन्वेस्ट कौन कर सकता है? जिसके पास पहले से ही पैसा होगा। तो जैसा मैंने कहा था, पैसे से ही पैसा बनता है। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा इस कैपिटलिस्ट दुनिया में, वो अपना पैसा और आसानी से बना सकता है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनका प्रॉफिट ले जाकर। इस मॉडर्न कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई थी दोस्तों 16th और 17th सेंचुरी में ब्रिटेन और नेदरलैंड्स में। दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर पहली कंपनी लिस्ट करी गई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में।
जहां एक तरफ कम्युनिज्म के लिए कार्ल मार्क्स हैं, वहीं दूसरी तरफ कैपिटलिज्म के लिए हैं एडम स्मिथ, जो कि हैं फादर ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने ईयर 1776 में एक किताब लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब में इन्होंने एक पॉलिसी की बात करी थी, लेसे फेयर, जो कि फ्रेंच शब्द है। इसका लिटरली मतलब है लीव अलोन, यानी सरकार को इकोनॉमी को लीव अलोन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यहीं से ही फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। मान लो आप एक पिज्जा बनाने का रेस्टोरेंट खोलते हो और आपके साइड वाला पड़ोसी भी अपना एक पिज्जा बनाने का रेस्टोरेंट खोलता है। अब अगर कोई तीसरा बंदा आके बीच में टांग ना अड़ाए तो आप दोनों के बीच में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और फेयर कॉम्पिटिशन यहां पर बना रहेगा कि कौन ज्यादा अच्छा पिज्जा बना सकता है, कौन कस्टमर्स को यहां पर कम दाम में सबसे अच्छी क्वालिटी का पिज्जा दे सकता है। आप दोनों एक दूसरे से कंपीट करने की कोशिश करोगे कि मैं ये चेंज ला देता हूं, इससे मेरा टेस्ट ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मैं ये रेसिपी बनाकर दूंगा। तो इस कंपटीशन की वजह से आप दोनों इनोवेट करोगे, नई नई चीजें, तरीके सोचने की कोशिश करोगे कि कैसे पिज्जा को और अच्छा बनाया जा सकता है और कम दाम पर बेचा जा सकता है। एडम स्मिथ की राय में यही कॉम्पिटिशन है फ्री मार्केट का इनविजिबल हैंड। यहां पर कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप अच्छा पिज्जा बना, लेकिन मार्केट की सिचुएशन आपको यहां पर मजबूर कर रही है कि आप यहां पर इनोवेट करोगे और अच्छा पिज्जा बनाओगे। आप तो बस अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हो। आपको क्या है, आपको अपना रेस्टोरेंट अच्छा चलाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, अपने पड़ोसी से ज्यादा अच्छा काम करना है, लेकिन आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हो, यही बाकियों के लिए भी अच्छा हो रहा है। सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए यही अच्छा है कि आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करो। यही है एडम स्मिथ की फिलॉसफी। अब अपने पिज्जा के रेस्टोरेंट को और एफिशिएंट बनाने के लिए आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि सब काम खुद से करना अच्छा नहीं है। अगर आप खुद से यहां पर लोगों के ऑर्डर लेने बैठ गए, पिज्जा बनाने बैठ गए, तो बहुत समय लग जाएगा। बेहतर यही है कि कुछ लोगों को हायर कर लिया जाए, एक इंसान जो फ्रंट डेस्क पर बैठ के लोगों के ऑर्डर लेगा, एक इंसान जो पिज्जा बनाएगा, पिज्जा के लिए इंग्रेडिएंट्स लेकर आएगा, एक इंसान होगा जो टॉपिंग्स डाल के पिज्जा को ओवन में डालेगा, और एक इंसान का काम होगा पिज्जास को डिलीवर करने का। तो ये हो गया डिवीजन ऑफ लेबर। हर इंसान अपनी एक चीज में स्पेशलाइज कर रहा है और इसी स्पेशलाइजेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत तेजी से ज्यादा बढ़ रही है। एडम स्मिथ ने इसकी भी बात करी है, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों कि दुनिया भर में कैपिटलिज्म इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया, क्योंकि हर किसी ने रियलाइज किया कि अगर हमें काम और बेहतर करना है और स्पीड से करना है तो हमें डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ेगा यहां पर, और स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। एप्पल कंपनी को ही देख लो, अगर आपको एक आईफोन बनाना है यहां पर, अब एक इंसान पूरे आईफोन को बनाने बैठ गया तो सालों लग जाएंगे, लेकिन अगर एक आईफोन को बनाने के लिए यहां पर असेंबली लाइन बनाई गई वर्कर्स की कि पहला इंसान यहां पर स्क्रीन फिट करेगा, दूसरा इंसान ये स्क्रूज लगाएगा, तो उस असेंबली लाइन से कितनी स्पीड से एक दिन के अंदर कितने आईफोन्स बनाए जा सकते हैं। इन्हीं सारे आइडियाज को इंप्लीमेंट करके दोस्तों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी गई, और उससे इवेंचुअली हुआ क्या, जिसकी मैंने कम्युनिज्म वाले वीडियो में बात करी, वर्कर्स को घंटों घंटों काम कराया जाता था बुरी कंडीशंस में, एक्सप्लॉयटेशन होती थी वर्कर्स की, जिससे इवेंचुअली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की शुरुआत हुई। अब इन सारी बातों को सुनकर आपको लगेगा कि कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ तो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। रियलिटी में कार्ल मार्क्स ने अपनी एक किताब लिखी थी दास कैपिटल, जिसमें उन्होंने एडम स्मिथ के कई व्यू पॉइंट से एग्री भी किया था। दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत बड़ी डिसएग्रीमेंट्स थी, लेकिन एक तरह से कह सकते हो कि दोनों सेम सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। जहां एक तरफ एडम स्मिथ प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर फोकस करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स मानते हैं कि हाँ, डेफिनेटली एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ये करने से, लेकिन कार्ल मार्क्स का फोकस एक इंडिविजुअल वर्कर पर है। वो कहते हैं कि एक वर्कर एलियनेटेड फील करने लगेगा अगर उसे फैक्ट्री में ऐसे रेपिटेटिव टास्क करवाए जाएंगे कि घंटों घंटों तक, सालों तक एक ही काम बार बार करवाया जाए। वर्कर प्राउड फील नहीं करेगा अपने काम से, एक काम करने वाले मजदूर को लगेगा कि मेरा क्या पर्पस है जिंदगी में, मैं बस एक बड़ी मशीनरी में एक छोटा सा गियर हूं। कार्ल मार्क्स का कहना था कि स्पेशलाइजेशन करने से वर्कर्स और आसानी से रिप्लेसेबल बनते जाएंगे, जिससे कि कैपिटलिस्ट के हाथ में और ताकत आ जाएगी जो कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ के आइडियाज दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं सेम सिचुएशन को देखने के। एक चीज याद रखिए कि दोनों अलग अलग जमाने में पैदा हुए थे। एडम स्मिथ का 1790 में देहांत हो गया था, जबकि कार्ल मार्क्स पैदा हुए थे 1818 में। तो 1790 एक ऐसा टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जस्ट शुरुआत हुई थी, और कार्ल मार्क्स एक ऐसे जमाने में बड़े हुए थे जब वो देख रहे थे अपने आसपास फैक्ट्रीज में वर्कर्स को एक्सप्लॉइट होते हुए। तो शायद दोनों अगर सेम जमाने में बड़े हुए होते, दोनों के ओपिनियंस एक दूसरे से ज्यादा एग्री करते। लेकिन इतिहास में आगे बढ़े, कम्युनिज्म की इंप्लीमेंटेशन हमने सोवियत यूनियन में देखी, आप जानते ही हैं,
जहां तक कैपिटलिज्म की इंप्लीमेंटेशन का सवाल है, तो साल 1902 में एक बड़ी घटना हुई। यूएसए में तीन बड़ी स्टील कंपनीज, कार्निगी स्टील, फेडरल स्टील और नेशनल स्टील, मर्ज कर गई एक कंपनी में जिसका नाम था यूएस स्टील, जो दुनिया की पहली बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन बनी। एल्बर्ट एच गैरी इस कंपनी के चेयरपर्सन थे और पहले साल में ही पूरे देश में जितना स्टील बनता है उसमें से 2/3 स्टील इस एक कंपनी ने बनाया। लेकिन स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन अभी भी बचा था, तो गैरी ने क्या किया, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को डिनर पे इन्वाइट किया और उनसे कहा कि हम क्यों बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं यहां पर और वहां बंदर को रोटी ले जाने दे रहे हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं और इस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को बंद कर देते हैं। और ऐसे बनी दोस्तों दुनिया की पहली बिलियन डॉलर कंपनी की मोनोपोली। अब एडम स्मिथ की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां पर फ्री मार्केट का जो इनविजिबल हैंड था उसे काम करना चाहिए था और चीजों को अपने आप सही कर देना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। जब भी मोनोपोली होती है किसी चीज की, किसी एक कंपनी की, तो ये कंज्यूमर्स के लिए, जनता के लिए बहुत बुरी चीज होती है। इमेजिन कीजिए देर रात में एक छोटे से गांव में आप खड़े हैं, टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं और जो पास का बड़ा शहर है वो करीब 100-200 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक टैक्सी मौजूद है। अब आप उस टैक्सी वाले से कहते हैं कि भाई मुझे इस शहर तक ले चल, और वो आपसे आमतौर पर 500 रुपए चार्ज करता सेम डिस्टेंस के लिए, लेकिन वो आपसे कहता है कि नहीं भाई मैं तो यहां पर 50,000 रुपए चार्ज करूंगा अगर मुझे यहां से टैक्सी लेकर जाना है। अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहां पर उस टैक्सी वाले की यहां पर एक मोनोपोली बन गई है। आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जिससे बाहर निकलने के लिए या तो आप वो ले लें या फिर आप सिचुएशन में फंसे रह जाएंगे, तो आपको मजबूरी में आकर ये पैसे देने ही पड़ते हैं। कैपिटलिज्म में इन एक्स्ट्रा पैसों को प्रॉफिट बुलाया जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब दस कैपिटल में इसी के रिगार्डिंग एक थ्योरी बताई थी। इस थ्योरी का नाम था द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। अगर मैं यहां पर अपनी एक कंपनी चलाता हूं जो एक प्रोडक्ट बनाती है और उस कंपनी में काम करने वाले आप एक मजदूर हैं जो उस प्रोडक्ट को एक्चुअली में बनाते हैं, मान लीजिए मैं उस प्रोडक्ट को बेचकर 80,000 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूं लेकिन आपको मैं तनख्वाह में 8,000 रुपए देता हूं, तो 80,000 - 8,000 72,000 रुपीज जिसे हम प्रॉफिट बुलाएंगे, कार्ल मार्क्स इसे सरप्लस वैल्यू करके बुलाते हैं, द वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस द वैल्यू ऑफ लेबर। जो भी यहां पर सारी सरप्लस वैल्यू प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ये सारा मैं ले जाता हूं और आपको बस अपनी तनख्वाह मिलती है। ऐसा अक्सर कैपिटलिज्म में देखने को मिलता है। इसके कई एग्जांपल हो सकते हैं। एक ट्रेडर जो बहुत सस्ते दाम में फसल खरीदता है एक किसान से और मार्केट में जाकर बहुत बड़े दाम पर उसे बेचता है, जो बीच का प्रॉफिट होता है, सरप्लस वैल्यू होती है, वो सारा ट्रेडर ले जाता है। या फिर एक साइंटिस्ट जो किसी वैक्सीन का क्योर डिस्कवर करता है लेकिन रियलिटी में फार्मा कंपनी उस वैक्सीन को बेचकर मैक्सिमम प्रॉफिट खुद के लिए ले जाती है। या फिर एक सिंगर जो एक्चुअली में गाना गाता है लेकिन ज्यादातर प्रॉफिट एक म्यूजिक लेबल कंपनी ले जाती है। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हर कोई सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है अपनी एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी के ऊपर पहुंचेगा वो बाकियों को एक्सप्लॉयट करने लग जाएगा। एक ऐसा सिस्टम जहां पर काम को इतना रिवॉर्ड नहीं किया जाता बल्कि पैसे को रिवॉर्ड किया जाता है। अगर आपके पास पैसा है एक कंपनी एस्टेब्लिश करने का, लोगों से काम करवाने का, तो आप उसका मैक्सिमम प्रॉफिट ले जा सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली हर कंपनी ऐसी नहीं होती, हर कंपनी का मालिक ऐसा नहीं होता कि वो हर किसी को एक्सप्लॉयट करते रहेगा। यहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल की द्वारा ओन की जा रही कंपनीज के कॉन्ट्रास्ट में एक एग्जाम्पल है ज्वाइंट कोऑपरेटिव कंपनीज, जैसे कि अमूल। 36 लाख से ज्यादा किसान ज्वाइंट ओनर्स हैं अमूल कोऑपरेटिव के। ये किसी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट की गई कंपनी नहीं है। तो हम और आप अपना कैपिटल अमूल कंपनी में नहीं डाल सकते। अमूल कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसके पैसे, उसका बेनिफिट मिलता है इन फार्मर्स को जिन्होंने साथ में मिलकर एक कंपनी बनाई है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए किसी एक इंसान को लीड करने की जरूरत पड़ती है। तो अमूल के केस में ये थे त्रिभुवनदास पटेल, जिन्होंने इस कोऑपरेटिव को सेटअप किया था 1946 में अंडर द गाइडेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के रिगार्डिंग एक फिल्म भी बनी है दोस्तों, जिसका नाम है मंथन, जो कि इंडिया की पहली क्राउड फंडेड फिल्म थी। 5 लाख से ज्यादा मिल्क फार्मर्स जो अमूल में काम करते हैं उन्होंने 2 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए थे इस फिल्म को बनाने के लिए। एनीवेज कहानी में बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गया हूं मैं। वापस अगर हम कैपिटलिज्म की हिस्ट्री पर आए तो 1929 में बहुत बड़ा शॉक लगा कैपिटलिज्म को, जब स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर गया और एक ग्रेट डिप्रेशन आई। अब रिसेशन दोस्तों एक बहुत ही रेगुलर फीचर रहा है कैपिटलिज्म का। इसकी वजह से भारी स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली और पॉवर्टी देखने को मिली यूएसए में। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोस्तों एंट्री होती है कैपिटलिज्म का इतिहास बदलने वाले रेवोल्यूशनरी इकोनॉमिस्ट केन्स की।
केन्स का मानना था कि ये इनविजिबल हैंड जो है फ्री मार्केट का, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी में अगर फ्री मार्केट को इतना फ्री छोड़ा जाएगा तो वो इवेंचुअली उससे डिप्रेशन होगा, रिसेशन होगा, मोनोपोलीज क्रिएट होंगी, बहुत सारे नुकसान है इसके। केन्स की थ्योरी ये थी कि गवर्नमेंट्स को यहां पर इंटरफेयर करना चाहिए और रेगुलेट करना चाहिए कंपनीज को, छोटी कंपनीज को सब्सिडाइज करना चाहिए, बड़ी कंपनीज की मोनोपोली होने से रोकना चाहिए, इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए। और केन्स के आने के बाद से दोस्तों, उसके बाद जितने भी आने वाले दशक थे, दुनिया भर की कंट्रीज ने केन्स से ही इंस्पिरेशन लेके ऐसा कैपिटलिज्म का मॉडल इंप्लीमेंट किया जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते थे। अगला बड़ा झटका 1980s में लगा कैपिटलिज्म को, जब यूएसए में रोनल्ड रेगन और यूके में मार्गरेट थैचर एडम स्मिथ के फ्री मार्केट वाले आइडियाज को वापस इन्होंने रीइंट्रोड्यूस किया दुनिया में। इसके बाद से जो कैपिटलिज्म इंप्लीमेंट किया गया इन दो देशों में, इसे नियो लिबरलिज्म कहा जाता है। बेसिक फाउंडेशनल आइडिया एडम स्मिथ वाला ही है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, फ्री मार्केट में मार्केट को अपने आप चलते रहने देना चाहिए और यहां पर एक इनविजिबल हैंड है फ्री मार्केट का। तो करंट स्टेटस यह है दोस्तों कि पिछले 40 सालों से दुनिया भर की कई कंट्रीज में, स्पेशली यूएसए में, हमने न्यू लिबरलिज्म इंप्लीमेंट होते हुए देखा है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है यूएसए में। अमीर लोग और भी अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोगों को उठने का मौका नहीं मिल पा रहा। जो बड़ी कंपनीज हैं वो मोनोपोलीज बनती जा रही हैं। इसी नियो लिबरलिज्म का इंपैक्ट इंडिया तक में भी देखने को मिलता है। तो क्या सक्सेसफुल आइडियाज रहे कैपिटलिज्म के और क्या खतरनाक फेलियर्स हमें आज के दिन कैपिटलिज्म की वजह से देखने को मिल रहे हैं दुनिया भर में, इसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में डिटेल में दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पर मेंबर बनकर ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही हाई क्वालिटी एक्सट्रीमली डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।